टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज डिप्लोमेटिक एजेंट्स। डिप्लोमेटिक एजेंट्स जो हैं ये गवर्नमेंट के स्पेसिफिक ऑफिशियल्स होते हैं जिनको फॉरेन कंट्रीज के अंदर भेजा जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और इनको अपॉइंट किया जाता है उस रिसीविंग स्टेट की कंसेंट पे। अगर वो रिसीविंग स्टेट जो है वो कंसेंट नहीं देती, उसको अप्रूव नहीं करती, तो वो रिजेक्टेड होता है। जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं इनमें एम्बेसडर्स होते हैं, एनवॉयज होते हैं, चार्ज अफेयर्स होते हैं। ये अगर हम अपनी हिस्ट्री के अंदर देखें तो हमें अपनी हिस्ट्री में भी मुख्तलिफ़ किस्म के एजी हम भेजा करते थे, सफ़ीर बना के डेलीगेशन भेजा करते थे जो मुख्तलिफ हम मैसेज कन्वे करते थे, और उन कुछ शरायत होती थी, उनको कुछ चीज़ों पे कन्वे किया जाता था, उनको कन्विंस किया जाता था। तो वो सारे मामला तय जो पाए जाते थे वो उन सफ़ीरों की मदद से पाए जाते थे तय। सो डिप्लोमेट्स सफारत, डिप्लोमेसी भी सफारत है, और डिप्लोमेटिक एजेंट्स को सफ़ीर कहते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं गोल्स को, मुख्तलिफ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, और कुछ इसके अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी किए जाते हैं। बट द मेन पर्पस इज़ टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। वार को अवॉइड करने के लिए हम किस तरह से पीसफुल तरीके से बातचीत करके मुख्तलिफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट पे कंसेंसस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हेंस ये मॉर्गेंथो जो हैं उन्होंने डिप्लोमेसी की डेफिनेशन दी थी कि डिप्लोमेसी इज द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बाय पीसफुल मीन्स, के पीसफुल तरीके से हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हम किस अगर हमें किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हम रिवॉर्ड्स ऑफर कर सकते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट्स, म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बात करके जिसमें दोनों कंट्रीज का फ़ायदा हो उस पर बात कर सकते हैं, और अपने इंटरेस्ट को, अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो सेंडिंग स्टेट्स जो हैं वो उसकी तरफ से एक डिप्लोमेट्स के ज़िम्मे होते हैं वो उनको फुलफिल करता है इन द रिसीविंग स्टेट। सो डिप्लोमेट्स जो हैं ऑब्वियसली आई हैव डिस्कस्ड फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और एक लिंक क्रिएट करते हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। अगर आपको किसी कंट्री से ऑफिशियली आपसे को किसी मैटर, कोई मैटर डिस्कस करना है, किसी प्रॉब्लम कोई डिस्कस करना है, तो आपको डायरेक्ट उस कंट्री नहीं जाना पड़ेगा, उसको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉल नहीं करनी पड़ेगी। यू हैव द डिप्लोमेट्स, आपके पास डिप्लोमेट्स हैं, आपकी उस कंट्री की एम्बेसी के अंदर जो आपके कंट्री के अंदर है, आप डिप्लोमेट से डायरेक्ट जो है वो निगोसिएशन कर सकते हैं, किसी भी मैटर के ऊपर बातचीत कर सकते हैं, और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सो डिप्लोमेसी जो है ये इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं इनको गवर्न करती है डिप्लोमेसी। इसके रूल्स देखें, इसके लॉ देखें तो वियना कन्वेंशन जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे 1961 पे कॉडिफाइड हमें इसके ऊपर एक रूल्स, इस पर लॉज मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइन रिप्रेजेंटेशंस जो हैं, फंक्शंस हैं डिप्लोमेटिक एजेंट्स के, में रिप्रेजेंटेशन है कि एक जो डिप्लोमेट है उसका मेन जो पर्पस है, उसका जो मेन फंक्शन है वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, अपने कंट्री को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, और उसको एक किस्म का माउथ पीस होता है वो अपने कंट्री का, और अपने कंट्री कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको, अपनी पॉलिसीज़ को उनको सामने रखता है और उनको मनवाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक वो सिंगल पर्सन जो डिप्लोमेट है वो परफॉर्म कर रहा होता है अपनी कंट्री की तरफ से, जो उसको गोल्स दिए जाते हैं उनको फुलफिल करता है। तो यही एक डिप्लोमेट का काम है, और ये डिप्लोमेटिक जो हैं ये हेड ऑफ द स्टेट को, उनके मिशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रोटेक्शन जो है ये इसका मेन फंक्शन है कि अपने कंट्री के राइट्स को जो है वो फुलफिल करना। और अगर हम इन सिंपल वर्ड्स ये कहें कि डिप्लोमेसी भी एक आर्ट है, अपने काम निकलवाने का एक आर्ट है कि किस तरह पीसफुल तरीके से कन्विंस करके उनको अपना काम अच्छे तरीके से निकलवाया जा सके। सो डिप्लोमेटिक एजेंट्स जो होते हैं वो राइट्स को अपनी प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी होमलैंड, अपनी सेंडिंग स्टेट की राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और
और इसके अलावा इनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, मींस कि इसमें यूज ऑफ थ्रेट फोर्स का इस्तेमाल नहीं होता, बातचीत के जरिए से ही मामलात को तय किया जाता है। निगोसिएशन इसका एक अहम फंक्शन है, एक टेबल टॉक के जरिए से जो है वो मुख्तलिफ मामला तय किए जाते हैं, बातचीत के जरिए से मामला तय किए जाते हैं, निगोसिएशन यही होती है। सो निगोसिएशन जो है एक मेजर टूल है डिप्लोमेसी के अंदर। सो डिप्लोमेटिक एजेंट्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, और ना सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं, उनको परसुएट करते हैं, उनको जो है उनको उनके सामने कुछ कंडीशंस रखते हैं। सो हम ये भी कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी एक मैनेजमेंट है आईआर की, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्रू निगोसिएशंस। देन वी हैव द अनदर फंक्शन ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस के अंदर डिप्लोमेटिक एजेंट्स क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कंट्रीज के इवेंट्स को, जो हालात वहाँ पे चल रहे होते हैं, जो कंडीशन, जो इवेंट्स वहाँ पे हो रहे होते हैं, उनका उसके कंट्री पे क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर अपनी फॉरेन नेक्स्ट उनका मूव क्या हो सकता है, वो अपना नेक्स्ट मूव उनका डिपेंड करता है उसी कंट्री के कंडीशंस पे, उस कंट्री के हालात पे, हालात वाकियात उस टाइम चल रहे होते हैं, कि मुख्तलिफ हर चीज़ का एक वक्त होता है, और ये डिसाइड करते हैं डिप्लोमेट्स के अब हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। और मीन्स दैट कि जब रशिया को कंटेन किया था फॉरन यूएसए ने, तो अपनी कंटेनमेंट की पॉलिसी अपनाई थी, तो उनकी कंडीशंस, उनकी सिचुएशंस को देख के कि दैट इज़ द राइट टाइम टू कंटेन यूएसएसआर। सो इसी तरह से अगर कोई कोविड टाइम्स के अंदर हमने देखा कि मुख्तलिफ जब डिजीज आउटब्रेक हुई, जो कोविड की डिजीज जब आउटब्रेक हुई, तो उन्होंने अपनी कंट्रीज ने अपनी पॉलिसीज को उसके अकॉर्डिंगली चेंज किया, क्योंकि एक कंट्री के इवेंट्स जो हैं वो दूसरे कंट्री के पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करना डिप्लोमेट्स का काम होता है, और वो टाइमली अपनी कंट्री को रिपोर्ट करते हैं जहाँ से वो भेजे गए होते हैं, अपने होमलैंड को, अपनी सेंडिंग स्टेट को। प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, द मेन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डिप्लोमेट इज फ्रेंडली रिलेशंस। फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं अगर कायम होंगे तब ही वो मामला तय पाए जा सकते हैं, हम उनसे कुछ अपने इंटरेस्ट फुलफिल कर सकते हैं, हम उनसे बातें मनवा सकते हैं, सिर्फ अगर हमारे उनसे फ्रेंडली रिलेशन होंगे। सो एक्टिंग नाइसली इन द इंटरनेशनल रिलेशंस इज द डिप्लोमेसी। डिप्लोमेट्स उनको ये बताना कि हम आपके साथ बहुत लॉयल हैं, बहुत वफादार हैं, जिस तरह से इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमने उनसे एड ली, और इन द रिटर्न हमने वार ऑफ टेररिज्म में यूएसए की मदद की। ये हमने फ्रेंडली रिलेशंस कायम किए, म्यूचुअल इंटरेस्ट पूरे किए, हमारी पॉलिसी क्या थी, हम उनसे उनसे एड लेनी है, हमने अपने इंटरेस्ट पूरे करने हैं, और उनकी क्या थी, उन्होंने वार ऑफ टेररिज्म में उनको हमारी मदद चाहिए थी। सो दैट इज़ अ डिप्लोमेसी, कि किस तरह से दूसरों से अपने काम निकलवाए जा सकते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस कायम किस तरह से किए जा सकते हैं। ये सारे जो फंक्शंस हैं ये डिप्लोमेट्स प्रमोट करते हैं, और ये करते हैं सोशल कल्चर इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं ये बिल्ड करते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ। इसके अलावा कौंसलर फंक्शंस हैं, कौंसलर फंक्शंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डिप्लोमेटिक फंक्शंस। डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है कौंसलर फंक्शंस के अंदर, मुख्तलिफ और चीज़ें हो जाती हैं, पासपोर्ट्स का इशू है, या फिर मुख्तलिफ इशूज़ हैं, रेजिडेंस का इशूज़ है, या फिर मुख्तलिफ इकॉनमी पे, कमर्शियल वैल्यूज़ पे, या फिर कमर्शियल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। सो दैट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ द डिप्लोमेटिक एजेंट्स। सो इन अनदर वीडियो वी विल डिस्कस द प्रिविलेजेस एंड द एमिनिटीज ऑफ द डिप्लोमेटिक एजेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो।